हे साई तेरे माया ले अरे दिल की ली चैनल मुकेश बीट ऑफिशियल। आई होप मेरे सभी दड़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दड़ी हो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही भाई रात के 10:30 बजे से। आपको दड़ी रेडी हो चुका है, जैसे पता ही है कि आपको आपको क्या पता होगा, शायद भी आप तो ब्लॉग देखो तब मालूम चलेगा कि मैं आज शाम को अभी जो है 6:20 में मैं दिल्ली पहुँचा हूँ गाँव से पापा मम्मी के साथ। और अब रात को 10:30 बजे हम लोग जा रहे हैं भाई पहाड़ जो है, जैसे पता ही आपको 7-8-9 ये तो पता होगा भाई 7-8-9 तारीख को जो है आपका बेताल घाट महोत्सव होने जा रहा है। तो वहाँ पे उत्तराखंड के तमाम बड़े बड़े कलाकार वहाँ पहुँच रहे हैं और आपका अपना ग्रुप जो कि कई वर्षों से वहाँ पे अपनी संस्कृति झलक दिखा रहा है भगवद के साथ, तो हम पहुँच रहे हैं। बस टीम आने वाली है, यहाँ से फिर हम चलेंगे भाई बेताल घाट। और भाई थका हूँ बहुत ज़्यादा, थक चुका हूँ क्योंकि वहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ से फिर ड्राइव करेंगे हम लोग पहाड़ के लिए दोबारा से, अप डाउन चल रहा है। ठीक है सब आप सभी के लिए भाई दौड़ियो तो बड़े नए वीडियो साथ मिलते हैं। फाइनली हम लोग मैं यहाँ पहुँच गया भाई, दादा भी आगे लेने के लिए और सामने पूजी अपने दत्तो और भाई नीरज सभी आ गए, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। धूल धूल हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब पेड़ काटे हुए बहुत ज़्यादा, अब तो बन गई है चौड़ी। दौड़ियो फाइनली हम लोग अभी पहुँचे हैं भाई रामनगर में और हमारे साथ जो है ये चेहरा भी आ चुके हैं, ये चेहरे आ चुके हैं, ये चेहरे नंबर उनको तो दिखा दे, ये चेहरे आ चुके हैं। और हमारे साथ हमारे घोष ज्ञान के हमारे हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी, नमस्कार सुप्रसिद्ध लोग गायक भाई जी पहुंचे हमारे साथ। और आज कल ही कल देखेंगे आपको बेताल घाट में, बेताल घाट में। और आप सभी लोग मुकेश बीस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दबा के, पूरे आपको पूरा बेताल घाट का पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा इस चैनल। भाई दादा ने बोल दिया दादा का एक ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब के माध्यम से, जितने फॉलोवर है सभी सब्सक्राइब होने चाहिए। ये क्या बाबा, हम बस उत्तराखंड के सुपुत्र हमारे ताग भाई पहुँच चुके हैं हमारे देवभूमि में, फिर से दोबारा आप सभी का स्वागत है। चमक नहीं स्वागत, चमक कर रहा मैं मेरे भी कार नहीं तेरी। और हाँ सचिन भाई बहुत बहुत अच्छे इंसान है, कहाँ से ही पता नहीं जाओ कहाँ से दिलते होंगे भाई फेफड़े से। ठीक है और भाई भाई भी जांच कर रहे हैं जबरदस्त, तो चल रहे हैं दो शब्द तक भाई। देखिए पूरा जमावड़ा कहते हैं ना उत्तराखंड में, मेरे को लग नहीं रहा कि कोई रह भी गया होगा। आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी रामनगर में, बहुत भीड़ मतलब कि चुन्नू मुन्नू पप्पू राजू सब छुट्टियां मनाने आए हुए, सब देव पूजा बोला देव पूजा आ रहे भैया पे, जो भी ये सब वगैरह कर रहे हैं। तुम्हारा नंबर भी आएगा, ये लो तुम्हारा नंबर आ गया पहले। हमारे बीच में जो है हमारे जुड़ा कलाकार भाई नीरज गुप्ता जी, अरे नीरज भाई दो सब हाँ। और आज मैं बेताल घाट पहुंच गया हूँ, जांच में हूँ, जांच में पहुंचे नहीं, यही पहुंचे नहीं, नहीं अभी रामनगर, सही बात है, अभी मैं रामनगर में हूँ और चाय पीते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं बेताल घाट और कल मिलते हैं आपको अपने अगले प्रोग्राम के लिए। आज आज है गलती नहीं है, चलो ओके गाइस, या लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, मिलते हैं बाद में। तो दगड़ियों मैं मिलाता हूँ फिर कुछ मंदिर से, जो कि दिल्ली आ सके वो फुल छा रखे भाई अपने ढोल धमों से, अपने पहाड़ी बैंड से, हमारे बड़े भाई किशन दा जी हमारे दादा मिल गए हमें रामनगर में। जाओ सारे पहाड़ आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है रामनगर में ही, तो आगे क्या हाल होगा ये तो आगे जाके ही बताएंगे आप। तो दादा पूरे छा रखे नंबर वन बैंड है दादा का, किशन बीस नाम से दादा बैंड है, बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है भाई, नंबर वन ग्रुप है दिल्ली के अंदर। ये चाहे दिल्ली से देहरादून पहाड़ पर कहीं भी जाते हैं, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर जगह हर जगह दादा जो है बैठ जाता है, अपना ग्रुप जाता है, तो कभी भी हो तो ये कंट्रीब्यूट करें, सब जरूर करें। वो प्रस्थान कर चुके हैं हम लोग रामनगर से और ये यहाँ का मौसम यार अब सभी को मैं कैसे बताऊँ, मतलब दिल इतना खुश हो गया ना यार बस मौसम देख के, क्योंकि जस्ट मैं अभी 6 बजे घर पहुँचा हूँ और उस टाइम 10:30 बजे मैं घर से निकल गया फिर दोबारा पहाड़ में और मजेदार भाई। वैसनी घर में तेरे कहने से मतलब मेरे को लगा ठंडा होगा तो मैंने बकरा का तो दगड़ियों बस पहुंच चुके हम लोग बेताल घाट,
अपना एंट्री। ओ दगड़ियो, फाइनली पहुंच ही गए हम लोग बेताल घाट। भाई बेताल घाट महोत्सव अभी सेटअप लगा नहीं है और हम पहले ही पहुंच गए हैं, क्यों दिल्ली से आना था भाई तो पहले पहुंच गए हैं। जी पहुंच ही गए हम अपन बेताल घाट में और ये मंच धूम मचाएंगे इस मंच में। पहुंच गए हम लोग और साथ हमारे अध्यक्ष साहब अगुदा और भाई आज फिर से धूम मचाएंगे पिछले साल की तरह। और भाई मजा आएगा, अभी तो भाई गर्मी लगी नहीं रही यहाँ पे। तो हमारे मुकेश दा, सचिन भाई सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, उल्टी हो चुकी है तो थोड़ी हाय कहोगो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा हाँ हमारे नीरज भाई हमारे घुकतियाल सुखतियाल बोल ले कुछ। हाँ और हम बेताल घाट पहुँच गए हैं गाइस गाइस। अच्छा टाइम पानी जाओ यार, चलो करो आप ये चश्मा निकाल दे भाई। बेताल घाट में सुबह सुबह हमारे मुकेश भाई और नीरज भाई वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए, ये देखो बास्केटबॉल को इन्होंने वॉलीबॉल बना दिया है और मुक्के भाई ने देखो उनको कितने दूर भगा दिया नीरज भाई को। ये बीच में ये बीच में नेट छू जोश तो मेरे को भी आ रहा है पर टांग में दर्द की वजह से ना मैं सोच नहीं पा रहा कुछ। ये देखिए आप मुक्के भाई को, ये अब थोड़ा दूर भगाओ, ये देखो अभी दूर भगाए। तो दगड़ियों हमने स्टे जो करना है जहाँ रहना है वो सामने के रहना है, हम लोगों ने यहाँ इंतजाम कर रखा है और वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। दगड़ियों यहाँ पे है रहने का इंतजाम, पूरा फार्म यहाँ पे है और यहाँ पे इंतजाम है। बाकी ये गौशाला है, अभी हम दूध पियेंगे गाय का, ये है गौशाला है। बाकी टाग भाई हमारे पहुँच के हरियाणा पुत्र और देवभूमि सपुत्र पहुँच चुके हैं, अब तो आज दूध पियेंगे दबगे। और हमारे हरीश दा और हमारे नीरज भाई प्रधान जी हमारे मुकेश दा और हो हमारे सुपर स्टार नीरज घुटियाल नीरज डोटियाल ओ डुटियाल सवाल निकाल सवाल निकल डुटियाल सवाल निकल डुटियाल सवाल निकल हाँ डुटियाल सवाल निकल। रूम मिल गया है, बस पंखा नहीं चल रहा भाई, निकल दिक्कत आ रही है। बाकी हम लोग जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं और जा रहे हैं हम लोग गार्ड नहाने जी। अच्छा और सभी लोग जा रहे हैं भाई, गर्मी मतलब बहुत गर्मी यहाँ दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है बेताल घाट में, क्योंकि गधेरे में पड़ता है। फिर जाएंगे नदी में नहाने के लिए, कोशी नदी है ना, कोशी नदी में फिर मिलते हैं आपको देर में, कोशी नदी होगी तो भाई दड़ियो जाएंगे। बहुत कलाकारी देखो, नहा लीजिए देखो कहाँ बैठी डिग्गी बैठी, देखो ये है कलाकारी, इसमें ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार, जमीन से जुड़ा हुआ। नहाने के लिए डिग्गी में बैठ गया, नहाने के लिए डिग्गी में बैठे और कागज लेके साथ में। बताओ भाई सुपरस्टार पहुंच गए हमारे रात का कुमार उतारे हैं। ऐसा है कि नहाने आए नदी में गार में और यहाँ पानी देखो, यहाँ पानी नहीं है यार, क्या हो गया इस बार आज और जंगल में आग लगी और पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्या किया जाए। नहा के आए ना भाई तो थकान लगी बहुत ज्यादा, तो रेस्ट कर लिया, अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, ठीक है रेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मंच में एक घंटे बाद मंच उतरना है, तो रेस्ट कर लेते थोड़ा बहुत। और ये गौशाला था, गौशाला जो ने यहाँ से हटा दिया ऊपर चला गया है, दिखाता हूँ गौशाला देखो कितना साफ सुथरा गौशाला था भाई, ये गौशाला है पूरा पूरा, यहाँ पे गाय होती थी बहुत सारी, ठीक है जैसे ये देखो। देखो आर्टिस्ट जा रहे हैं, सभी आर्टिस्ट निकल गए हैं, बाकी यहाँ पीछे हमारे राकेश साहब भी है बैठे, विधायक साहब हमारे भीमताल के, मैं फेमस कर दिया मैं भीमताल के विधायक साहब, तो ये निकल निकलते बाय बाय बाय। सब सुन सुन परिया लग रही है हो दिखा दो। और हमारे सुपरस्टार राहुल भट्ट जी हम जानते हैं, हमारे यहाँ के बाबा जोगी हमारे अलमड़ा विधानसभा के हमारे सांसद हैं इस समय और जीते हुए इस बार बाहरी बहुमत से जीत चुके हैं, 2.5-3 लाख वोट थे उनसे जीत चुके हैं। और अच्छा लगता है जैसे हमारे क्या कहते हैं दर्शक लोग हमारे से मिलने आते हैं और हम दगड़ियों निकलते हैं, बस कुछ मिनट में सचिन भाई आ रहे हैं तो हम चलते हैं सीधा फिर मंच पे, फिर भाई पहुंच गए भाई
और हम लोग जो है ब्रश करते हैं भाई, रेडी होते हैं तो बने बने साथ मिलते हैं। सब रेडी हो चुका है, देख लीजिए बगुदा सेटअप रेडी कर लिया है। ठीक है, सारी ड्रेसें हैं आज की, जो आज की परफॉर्मेंस की ड्रेस आती थी। ये बहुत सारी टोपियाँ, देखो भाई कितनी टोपियाँ हैं, देखो भाई वेराइटी टोपी मिलेंगे भाई। देखो ये ड्रेस है, ये आज की ड्रेस है, मतलब सोच लो मतलब चार चार सेट जो है आज के हैं, बाकी कल के अलग है, परसों के अलग है, हर दिन अलग अलग ड्रेस हैं। रेडी हो गए, बस चलते हैं भाई, और वीडियो कॉल बनेगा पता नहीं, देखते हैं। छेना अरे नंदा भगवती हमारी माँ, ओ हिमालय समो परिहरी छो देवो, तेरा खंडी छा देवा हो, देवा हो देवा। अरे पंचनाम देवा हरि हरिद्वार में, बद्री केदार में, चितई घोड़ा खाल में, अरे गढ़ कुमो चंपावत में, बोल बद्र विशाल की जय। जय हिमाला आहा, जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। तो आइए एक बार सभी लोग दोनों हाथ खड़े करेंगे मेरे साथ, सभी लोग दोनों हाथ, आप लोगों की मीठी मीठी तालियों के साथ इस सुंदर से भजन को हम यहाँ पर गाएंगे। आइए दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ, अरे जय जय हो बदरीनाथा, अरे जय जय हो बदरीनाथा, अरे जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, हाँ जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, सच बोल जय जय हो अरे पार्वती को मैता, जय जय हिमाला, आहा पार्वती को मैता, जय जय हिमाला, जति बल जय जय हो बदरीनाथा, अरे जय जय हो बदरीनाथा, अरे जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। देखो पिता घर में इतनी भीड़, दाना तू के बोलानी हो, दाजू लौटे बे जा पहाड़ा, दाना तू के बोलानी हो, दाजू लौटे बे जा पहाड़ की, राजू लौटी बे जा पहाड़ की, तो के याद नियोनी हो, राजू लौटी बे जा। पहिया हाथों
घुमुर बजा दे छम छम मेरे साथी दीपा घुमुर बजा दे छम।